आजकल देश में एक नाम की खूब चर्चा हो रही है, अवनी चतुर्वेदी की। ये नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि अवनी चतुर्वेदी कौन है, कहां से हैं। दरअसल वो भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने MiG-21 उड़ाया है बिना ट्रेनर के, अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने का गौरव प्राप्त किया है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और मैं बात करूंगा अवनी चतुर्वेदी के इस पायलट बनने के सफर पे, कैसे एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई एक लड़की इंजीनियर बनती है और फिर एयरफोर्स में जाती है और MiG-21 पहली बार कोई महिला भारत की लड़ाकू विमान उड़ाती है। पहला सवाल, अवनी चतुर्वेदी कौन है? अवनी चतुर्वेदी फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं। अवनी का बचपन मध्य प्रदेश में रीवा के पास एक छोटे से कस्बे में बीता। शुरुआती पढ़ाई अवनी ने हिंदी माध्यम में की है। अवनी ने 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अवनी ने एयरफोर्स की टेक्निकल सर्विस में जाने वाली परीक्षा दी और उसमें पास होने के बाद फाइटर पायलट बन गईं। अवनी के पिता खुद भी पेशे से इंजीनियर हैं। उनकी माँ हाउसवाइफ है, उनका एक बड़ा भाई है जो भारतीय सेना में है। दूसरा सवाल, अवनी ने किस फाइटर प्लेन को उड़ाया? फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने 19 फरवरी 2018 को MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट में सोलो उड़ान भरी। यहां सोलो का मतलब ये हुआ कि फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने पहली बार बिना ट्रेनर के अकेले एयरक्राफ्ट को उड़ाया। अवनी ने इसके लिए गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरी और पहली बार में इसे पूरा किया। ये किसी फाइटर पायलट के लिए उसकी ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। आप इसे जीरो एरर प्रोफेशन भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अकेले उड़ान भरने से पहले पायलट को लंबी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। ये फाइटर पायलट बनने की दिशा में पहला कदम है। भारतीय वायुसेना में महिला पायलट्स ऑपरेशनल फील्ड के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगी। हालांकि पूरी तरह से ऑपरेशन में आने के लिए इन सभी को कम से कम एक साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 3 महिला ट्रेनी पायलट का चयन किया गया था और इसकी एक बड़ी वजह थी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दस्ते में महिला पायलट्स को शामिल करना। फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी उन्हीं 3 महिला फाइटर पायलट्स में से एक हैं। तीसरा सवाल, भारतीय सेना में पहली बार महिलाएं कब शामिल हुईं? भारतीय सेना में पहली बार किसी महिला को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए साल 1927 में शामिल किया गया। साल 1992 में तत्कालीन सरकार की मंजूरी के बाद सेना के तीनों अंगों में महिला अधिकारियों को शामिल किया जाने लगा। भारतीय वायुसेना में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 8.5% है, जो सेना के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा है। वायुसेना में महिला पायलट्स ने अब तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उड़ाए हैं। नौसेना में अभी युद्ध के मोर्चे पर महिलाओं की सीधी तैनाती नहीं होती है। थल सेना में कॉम्बैट विंग में महिलाएं नहीं हैं, लेकिन महिला अफसर इंजीनियरिंग, लीगल, मेडिकल और एजुकेशन विंग में काम करती हैं। हालांकि अर्धसैनिक बल जैसे BSF, ITBP में महिलाएं पहले से ही मोर्चे पर डटी हुई हैं। चौथा सवाल, अवनी चतुर्वेदी को पायलट बनने की प्रेरणा किससे मिली? अवनी के पिता दिनांकर चतुर्वेदी के मुताबिक ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक अवनी को नहीं मालूम था कि वो आगे चलकर पायलट बनना चाहती हैं। साल 2003 में कल्पना चावला की मौत के बाद जब अवनी ने उनके बारे में पढ़ा, तब पहली बार उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की इच्छा जाहिर की। अवनी चतुर्वेदी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन भाई के सेना में होने की वजह से उन्होंने एक सैनिक के जीवन को काफी करीब से देखा है। देश सेवा का जज्बा उन्हें अपने भाई से मिला। तो ये कहानी थी अवनी चतुर्वेदी की, जिनकी आदर्श कल्पना चावला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जल्द ही हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें MiG-21, जिस लड़ाकू विमान को अवनी चतुर्वेदी ने उड़ाया है, उसके बारे में बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में, उसके खास उसमें क्या चीजें हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।